नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं एनकेएस बुलेटिन। आज की बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए एक प्राचीन मानव डीएनए के बारे में। सुनेंगे कि कौन होंगे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक। देखेंगे नई दिल्ली ने वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग के लिए क्या कदम उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन होगा जलवायु परिवर्तन के कारण अकाल झेलने वाला पहला देश। चलिए बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर और सुनते हैं खबरें हमारे साथियों से। मनुष्य सदा ही अपने भूत को जानने के लिए ललायत रहा है, जिससे कि वह अपने आप को और गहराई से समझ सके। इसके लिए वैज्ञानिक नई खोजों में डटे रहते हैं। जानते हैं इसी क्रम में खोजे गए नए डीएनए के बारे में हमारे साथी प्रकाश और कृति से। वैज्ञानिकों ने प्राचीन मानव डीएनए की खोज की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के वंश पर बेहतर तरीके से शोध करने में मदद करेगा। दक्षिण पूर्व एशिया धर्म, संस्कृति और इतिहास में प्रभावशाली विविधता के 11 देशों से बना है, जैसे ब्रुनेई, बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, आलोस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेचर जेनेटिक्स में बुधवार को प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में आधुनिक मनुष्यों के जनसंख्या इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि जलवायु और प्राकृतिक कारणों के कारण प्राचीन डीएनए आसानी से खराब हो जाता है। साइंटिस्ट हैव मेड एन एक्साइटिंग डिस्कवरी ऑफ एंशियंट ह्यूमन डीएनए दैट दे से विल अलाउ देम टू पीस टुगेदर द मिस्टीरियस एंसेस्ट्री ऑफ द पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया इज कंपोज्ड ऑफ 11 कंट्रीज ऑफ इम्प्रेसिव डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कल्चर एंड हिस्ट्री। ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, तिमोर लेस्ट, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। लिटिल इज नोन अबाउट द पॉपुलेशन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस इन साउथ ईस्ट एशिया बिकॉज एंशियंट डीएनए इज इजिली डिग्रेडेड ड्यू टू द ट्रॉपिकल क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर जेनेटिक्स। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जिससे कोई भी अपरिचित नहीं है। इसके परिणाम हम अपने आसपास देख भी सकते हैं। सुनते हैं संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन के परिणाम पर क्या कहा, हमारे साथी प्रमोद और रिया की जुबानी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मेडागास्कर दुनिया के पहले जलवायु परिवर्तन अकाल का सामना करने के कगार पर है, जो कहता है कि दसियों हजार लोग पहले से ही कम बारिश के कारण भूख और खाद्य असुरक्षा के विनाशकारी स्तरों से पीड़ित हैं। चार दशकों में सबसे खराब सूखे ने देश के दक्षिण में अलग थलग रहने वाले कृषक समुदायों को तबाह कर दिया है। उन परिवारों को खाने और जीवित रहने के लिए कीड़ों की तलाश करनी पड़ रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि देश में 5 साल से कम उम्र के कम 5 लाख बच्चों के गंभीर रूप से कुपोषित होने का खतरा है। Madagascar is on the brink of experiencing world's first climate change famine, according to the United Nations, which says tens of thousands of people are already suffering catastrophic levels of hunger and food insecurity after 4 years without rain. The drought, worst in 4 decades, has devastated isolated farming communities in the south of the country, leaving families to scavenge for insects to survive. At least 500,000 children under the age of 5 are in danger of being acutely malnourished, the UN says. सुनते हैं कि कौन होंगे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक, हमारे साथ ही पंकज और साक्षी से। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 20 अगस्त 2021 से अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आरबीआई ने कहा कि कार्यकारी निदेशक के रूप में वह मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा और परिसर के विभागों के लिए जिम्मेदार होंगे। कुमार इससे पहले केंद्रीय बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। आरबीआई ने कहा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सेड दैट इट हैज अपॉइंटेड अजय कुमार एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अगस्त 2021। एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपार्टमेंट्स ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रीमिसेस।
the RBI said. Kumar was earlier heading the New Delhi regional office of the central bank, the RBI said. आज के समय में वेस्ट वाटर एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है और यह एक शुभ संकेत नहीं है। इसी समस्या से उभरने के लिए नई दिल्ली ने क्या कदम उठाए हैं, बताने के लिए हमारे साथ हैं अरुण और बबीता। ऊर्जा और संसाधन संस्थान नई दिल्ली ने वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग के लिए एक तकनीक विकसित की है। तकनीक का नाम एडवांस ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी या टेडॉक्स है। यह नगर पालिका के गंदे नाले और अत्यधिक प्रदूषणकारी औद्योगिक अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर का उपचार कर सकता है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी टू रियूज वेस्ट वाटर। द टेक्नोलॉजी इज नेम्ड एडवांस ऑक्साइडेशन टेक्नोलॉजी और टेडॉक्स। इट कैन ट्रीट म्युनिसिपल सीवेज एंड हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर स्ट्रीम। बिजली का बढ़ता उपयोग वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को बढ़ा रहा है। इस बीच स्वच्छ ऊर्जा स्रोत एक विकल्प के रूप में नजर आते हैं। इस विषय पर खबर साझा करने के लिए हमारे साथ हैं दीपिका और हर्षिता भट्ट। 2021 की पहली छमाही में दुनिया भर में बिजली की बढ़ती मांग के कारण क्लीन बिजली को पीछे छोड़ते हुए कोयले से बनने वाली थर्मल ऊर्जा में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक बिजली क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन में पूर्व महामारी के स्तर से अधिक की वृद्धि हुई। हालांकि इस घटनाक्रम के बावजूद उम्मीद की किरण यह है कि पवन और सौर ऊर्जा जो कि स्वच्छ बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ने पहली बार परमाणु से उत्पादित बिजली को पीछे छोड़ दिया है। इसको स्वच्छ ऊर्जा के विकास के क्रम में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Rising global electricity demand in the first half of 2021 outpaced growth in clean electricity, leading to an increase in emissions-intensive coal power. This further resulted in a spike in global power sector emissions beyond pre-pandemic levels. However, every cloud has a silver lining. Wind and solar are driving the growth in the clean electricity sector. For the first time, wind and solar generated over a tenth of global electricity and also for the first time overtook nuclear generation. आज की आधुनिक दुनिया में कचरा प्रबंधन एक गंभीर मुद्दा बन हमारे सामने आया है। इस बीच आधुनिकता की दौड़ में हम ई कचरे के रूप में एक नई समस्या को जन्म दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिकम्पोज करना बहुत ही महंगा है और वैश्विक स्तर पर कई देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं। साथ ही अंशु और रोहित इससे संबंधित खबर को अपनी आवाज दे रहे हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस कचरे का 95% से अधिक भाग अनौपचारिक क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 से 2020 में भारत ने लगभग 10 लाख टन ई कचरा उत्पन्न किया। इंटरनेशनल टेलीकमीशन यूनियन ई कचरे को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उन सभी वस्तुओं और इसके भागों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें इनके मालिकों द्वारा दोबारा इस्तेमाल न करने के इरादे से कचरे के रूप में त्याग दिया गया है। जब इस ई कचरे को लैंडफिल में फेंका जाता है तो इनमें मौजूद केमिकल भूजल में रिस जाते हैं जो दोनों भूमि और समुद्री जानवरों को प्रभावित करते हैं। ई कचरे को डिकम्पोज करना एक महंगी प्रक्रिया है जो केवल कुछ विकसित देश ही ऐसा कर सकते। India has become the largest producer of e-waste after China and the United States. More than 95% of these waste is handled by the informal sector, which only adds to the problem. According to a Center Pollution Control Board report, in financial year 2019 to 2020, India generated around 10 lakh tons of e-waste. The International Telecommunication Union defines e-waste as all types of electrical and electronic equipment and its part that have been discarded by its owner as waste without the intent of reuse. When it is thrown in landfills, the chemicals seep in the groundwater, affecting both land and sea animals. Decomposing e-waste is an expensive process and only a few developed countries can afford to do so.
और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन के साथ।